तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ जो आपका डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फीचर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब कार्स भी पहले की तरह नहीं रही हैं, वो भी स्मार्ट होती जा रही हैं। तो स्टीरियो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स और बाकी पर्सनल डाटा स्टोर कर लेता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ये डेटा हम प्रोटेक्ट कैसे करें। ये वीडियो लास्ट तक देखिए अच्छे से समझने के लिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दबाकर देखिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस फीचर की जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अपना स्टीरियो से ब्लूटूथ कनेक्ट करें तो स्टीरियो में हमारा फ़ोन बुक कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह सारा डाटा सेव हो जाता है। तो मारुति ने ये फ़ीचर हमें ये डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। इस फीचर का नाम है एंटी थेफ्ट फीचर। जैसे ही कार की बैटरी डिसकनेक्ट होती है या स्टीरियो कोई अनप्लग करता है तो वो स्टीरियो इनऑपरेबल हो जाएगा जब तक आपकी सेट करी हुई पिन उसमें हम डालें ना। आइए अब देखते हैं एंटी थेफ्ट हमें सेट कैसे करना है। सबसे पहले आप अपना वॉल्यूम पुश बटन दबाकर स्टीरियो को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको 1 और 6 बटन प्रीसेट्स के साइमल्टेनियसली दबाकर वॉल्यूम पुश पावर बटन दबाना है। इससे आपका स्टीरियो सिक्योरिटी डिस्प्ले करने लगेगा। उसके बाद आपको अपना सीक प्लस बटन दबाकर नीचे का 1 बटन दबाना है प्रीसेट्स का। इसके लिए आपके अब इसके बाद आपके पास 4 खाली ब्लैंक्स आ जाएंगे जिसमें आपको अपनी पिन सेट करनी है। ये पिन आप प्रीसेट्स के 1, 2, 3, 4 बटन यूज़ करके सेट कर सकते हैं। मैं अभी ये पिन 4 बार 1 सेट कर देता हूँ। ये 1, सेकंड नंबर भी हमारा 1 हो गया, थर्ड नंबर भी हमारा 1 हो गया, फोर्थ नंबर भी हमारा 1 हो गया। अब आपने पिन सेट कर दिया। अब इस पिन को आप कन्फर्म करने के लिए आप अपना ट्यून का बटन 2 सेकंड्स तक प्रेस करे रखें। आपके पास लिखा आ जाएगा कंप्लीट। अब आपका एंटी थेफ्ट फीचर इनेबल हो चुका है। तो अब मैंने बैटरी डिसकनेक्ट कर दी थी। अब देखते हैं क्या हम स्टीरियो ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी लिखा आ गया है। अब मैं कोई भी बटन दबाऊं, कुछ भी करूं, मैं ये स्टीरियो ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक मैं इसमें अपनी करेक्ट पिन नहीं डालता। और करेक्ट पिन डालने का प्रोसीजर है, आप पहले अपना सी का बटन दबाइए और उसके बाद प्रीसेट्स का 1 बटन दबाइए। इसके बाद आपको ये डिस्प्ले कर देगा जिसमें 4 ब्लैंक जिसमें आपको अपनी पिन डालनी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, मैंने अपनी पिन 1111 सेट करी है। तो अब मैं अपनी पिन डाल दूंगा। अब आपको अपनी पिन ओके करने के लिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप अपनी गलत पिन डालते हैं तो क्या होता है। अब जैसे मेरी पिन 1111 थी पर मैंने 1131 डाली और सिलेक्ट करने के लिए मेरे को ट्यून बटन 2 सेकंड्स तक दबाना है। तो देखिए ये एरर का मैसेज दिखा देगा। इसका मतलब हम अभी भी अपना स्टीरियो ऑपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सही पिन ही डालनी होगी। इसके लिए मैं फिर अपना सी कप बटन और 1 दबाऊंगा। अब मेरे पास फिर 4 ब्लैंक आ गए हैं। अब मैं अपनी करेक्ट पिन एंटर कर दूंगा, डैट इज़ 1111। अब मैं अपना ट्यून बटन 2 सेकंड तक दबाऊंगा। अब आप देखिए कंप्लीट लिखा आ गया है और आपका स्टीरियो ऑपरेबल हो गया है। तो अब हम देखते हैं एंटी थेफ्ट फीचर कैंसिल कैसे करना है। और अगर आपको पिन चेंज करनी है तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस है। आपको पहले अपना एंटी थेफ्ट फीचर कैंसिल करना पड़ेगा एंड देन उसे वापस एनेबल करना पड़ेगा नई पिन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना स्टीरियो वॉल्यूम पुश बटन से ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप अपना प्रीसेट का 1 और 6 बटन साइमल्टेनियसली दबाकर वॉल्यूम पुश बटन दबा दीजिए। अब आपके पास पिन एंट्री डिस्प्ले करेगा। इसमें आपको पिन एंट्री अपनी पिन डालने के लिए इसमें आपको पहले सी कप का बटन दबाकर उसके बाद अपना
प्रीसेट का फर्स्ट बटन दबाना है। अब आपके पास चार ब्लैंक्स आ जाएंगे जिनमें आपको अपनी पिन एंटर करनी है। जैसे मैंने अपनी पिन 1111 सेट करी थी तो अब मैं वो सेम पिन एंटर कर दूंगा। अब मैंने अपनी पिन एंटर कर दिया। मैं इसे सिलेक्ट करने के लिए ट्यून बटन को 2 सेकंड तक दबाऊंगा। उसके बाद मेरे पास वापस 4 खाली ब्लैंक आ जाएंगे। इसका मतलब मेरा एंटी टफ फीचर कैंसिल हो चुका है। अब मेरा एंटी टफ फीचर कैंसिल हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ऑन व्हाट टॉपिक डू यू वांट मी टू मेक द नेक्स्ट वीडियो, नीचे अपना पसंदीदा टॉपिक कमेंट करें। ऑप्शन ए इज मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑफ बलिनो, ऑप्शन बी है रियल एवरेज ऑफ अ कार वर्सेस डिस्प्लेड एवरेज ऑफ अ कार, और ऑप्शन सी है मारुति स्मार्ट की फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स।